सत श्री अकाल विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश से बैठे तमाम दर्शकों का स्वागत मैं थोड़े नाल खुशी सर हाँ। सो लॉकडाउन तो बाद सब तो पहले जी पंजाबी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है वह जी तुनका तुनका तो अज 5 अगस्त में यह फिल्म रिलीज़ हो गई है तो लोगों के वालों इस फिल्म जो बड़ा पसंद किया जा रहा है तो अज चंडीगढ़ के इलांटे मॉल के इस फिल्म का जो प्रीमियर रखा गया इस मौके पर बहुत सारिया फिल्मी जगत दस्तियां अच्छ पहुँचने वाली ने तो उन्होंने गलबात करके जानेंगे कि उन्होंने फिल्म किमें की लगी उन्होंने फिल्म की खास लगा ना दे इस फिल्म की स्टारकास्ट के भी थोड़ी करवावे मुलाकात सो चलते अंदर तो देखते हैं सब तो पहला कि आखिर अच केड़ी-केड़ी फिल्मी जगत की हस्ती है जी अच इतने पहुँच रही है। सारे का बहुत बहुत शुक्रिया इतने आने लई सानू सपोर्ट करन लई ये साढ़े लिए बहुत खास दिन है तो तुसी सारे ये शामिल होए हो तो दिलों इस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हो सानू इस चीज़ की बहुत खुशी है तो अगे भी साथ बना के रखियो बस असं यही उम्मीद करते हैं धन्यवाद। गैरी बोल दे कुछ थैंक यू जी सारे का इतने पहुंचने इंटरवल तक तो मूवी देखी एक मतलब तुम बहुत वधिया तरीके देखी बट इंटरवल तो बाद हुण जिहड़ी मूवी का जिहड़ा स्टोरी लाइन आ बिल्कुल चेंज हुंदी आ ते हुण तुसीं एक मूवी दे जिहड़ा तुसीं नवे तरीके मतलब जिहड़ी तुसीं इमेजिन नहीं सी कीती जो चीज़ हजे सांभ के रखी हुई आ हुण इंटरवल तो बाद ही महसूस कर रहे हाँ, ने बट अजे रिलीज नहीं हो पा रही बहुत खुशी का मौका है क्योंकि फाइनली लोग सिनेमा च आउणगे और फिल्मां देखणगे इंजॉय करनगे हुण बैक टू बैक एवरी फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म प्लैंड है रिलीज़ दे लई और यही अरदास है परमात्मा अगे कि हुण इह करोना करोना ना रहे ताकि लोग नॉर्मली अपनी फैमिलीज़ दे नाल आ के थिएटर्स च फिल्म इंजॉय कर सकन या होर भी जो उन्होंने काम करने अपनी लाइफ स्टाइल नॉर्मल तरीके नाल जी सकन सो आई एम रियली हैप्पी। सो जो तुनका तुनका फिल्म की गल करिए तो बहुत अलग कंसैप्ट है इदा दिल्म कि महसूस कर दो कि पंजाबी इंडस्ट्री लैके आने की जरूरत है। देखो सिर्फ कॉमेडी या सिर्फ पुराना पंजाब या सिर्फ प्रदेश एक इदा के कॉन्सैप्ट होंगे है कि एक फिल्म चल जाती है फिर उसके हिसाब न लोग यू नो उन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देंगे बट जे कोई बंदा एक नवा ट्रेंड लैके आ रहा है या एक नवा कॉन्सैप्ट लैके आ रहा है और इन्ना पैसा लगा के फिल्म बना रहा है और अच्छी फिल्म बनाई है तो उन्होंने एप्रिसिएशन मिलनी बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के विच जड़ा है कि रिस्क नहीं हर कोई ईजली लेंदा बट जिस तरीके नाल हरदीप करेवाल ने कोशिश की है वो रिस्क लिया है सब तो पहला कि हाँ कुछ इदा का जरूर लिया जाए दूसरी एक चीज़ ये बड़ी आ रही थी कि लॉकडाउन आ पता नहीं ऑडियंस जाएगी सिनेमाघर तक नहीं जाएगी वो भी चीज़ जी देखने मिली है कि रिस्पोंस जरा लोगों के बहुत नज़र आ रहा इस फिल्म को लैके जड़ियाँ चीज़ा से कि नहीं इस फिल्म को देखना आया फिल्म ने जरा कितने कितने लोगों के रोंगटे खड़े करते किमें इस पूरी चीज़ को देख रहे हो। देखो उन्होंने एक एक्सपैरिमेंट किया एक्सपैरीमेंट सिर्फ एक फिल्म मेकिंग च नहीं किया उन्होंने फिजिकली अपनी लुक के उपर एक्सपैरीमेंट किया ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को बहुत टाइम लगे उस चीज़ को बहुत मेहनत वाला काम है इदा नहीं कि तुम मजाक च कर लो हाँ भी अज इदा कर लिया तो कल उदा हो जाएगा फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को बहुत डिफिकल्ट टास्क हों और इन्नी उन्होंने मेहनत की है वो लिए बधाई के हकदार भी ने और मेरी दुआ है कि फिल्म बहुत कामयाबी हासिल करे ताकि होर भी प्रोड्यूसर्स की डायरेक्टर्स की एक्टर्स की यू नो एक एक उन्होंने भी एक हौसला मिलेगा भी असं भी कुछ ना कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट चीज़ ट्राई कर सकते हैं। किवें हुण पूरे सिनेमा नूं देख रहे हो हुण आने वाले टाइम दे विच जिवें कि हुण लॉकडाउन ओपन हो गया है कि किवें ते हुण म्यूजिक इंडस्ट्री विच की नवा नवा आएगा किन्ना कि जिहड़ियां चीज़ां बनियां पईआं ने ऑलरेडी इंडस्ट्री दे विच जो रिलीज़ नहीं हो पाईआं जनता दी कचहरी विच की कुछ आएगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वल्लों। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वल्लों तां बहुत कुछ आएगा मेरा गाना आ रहा है 7 तरीक नूं अफसाना खान दे नाल एंजल रिकॉर्ड्स ते यार ही झूठा सी जिहदा टाइटल है बहुत ज़बरदस्त गाना है और मैं पूरी आस है कि साढ़े स्रोतियों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा वो गाना। थैंक यू सो मच। सो इस टाइम मेरे नाल ने पंजाबी सिंगर महताब विर्क जी उन्होंने गलबात कर लेने सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल किवें हो। बहुत वधिया सर तुसीं सुनाओ ठीक हो। हाँ जी हाँ जी वधिया। लॉकडाउन तो बाद पहली पंजाबी फीचर फिल्म जी रिलीज़ हो जा रही थी अज जी तुनका तुनका हुई है तो किवें दा महसूस कर रहे हो इंडस्ट्री का हिस्सा हो तुसीं। शुक्र करने परमात्मा का कि थिएटर आने का मौका मिले और बड़ी खुशी भी है कि चलो दोबारे काम शुरू होने लगा है और सारी इंडस्ट्री नू गुड लक भी है और आने वाले जिन्ने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सारे सुखी सांदी वधिया होण ते सारे इदां स्क्रीनिंग ते देखिए।
हरदीप सर की हमेशा कोशिश होंगी कुछ मोटिवेशनल लैके आंदा जाए, कहें कि उन्होंने हर सोंग की गल की जाए किसी भी चीज़, उन्होंने फुल फ्लैज फिल्म जी हमेशा नज़र आती है, हर कंसैप्ट जरा बड़ा अलग हों की लगता है कि इस इंडस्ट्री के कुछ इदा दीज़ा अगे आनगियां, क्योंकि जिमें देख रहे हथियारों लैके बार बार चीज़ें आदि से इदा के सोंग सिंगर तक आते हैं जदा दीज़ा ही बार बार आदि ने, पर हूँ इदा के कंसैप्ट भी आ रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। बहुत बदलाव हो गया हूँ तो जदों का मैं लगता कि किसानी दौर शुरू है ना, जदों का असं धरने पर जाने बहुत फर्क पै गया, हूँ तो गीतों के भी बड़ा निखार आ गया। और वैसे भी बाई ने पहला गाना किया ओही नाम तो अज फिल्म आ रही है, जिन्ना गाना मोटिवेट से मैं लगता फिल्म उतो 10 गुणा ज़्यादा मोटिवेट करेगी आम जी साड़ी ऑडियंस है। और होना चाहिए सोशलाइज, आप चलो कमरशियल हर एक की जरूरत है पर आपां नूं सोशल भी जरूर करना चाहिए। नाल नाल तुसीं फार्मो प्रोटेस्ट की गल की है तो मेहताब जी पहले दिन तो जिहड़ी पंजाबी इंडस्ट्री डटी हुई है फार्मो प्रोटेस्ट के चलते हुए किसानों के नाल, बड़ी बार ये चीज़ा है कि हो सकता है कि जिहड़े सिंगर ने अपने फेम के चक्कर में यह सारिया चीज़ा कर रहे हैं पर वह चीज़ कितने ना कितने गलत साबित करती इंडस्ट्री ने, क्योंकि अजे भी बहुत सारे पंजाबी सोंग रिलीज़ हो रहे हैं इदा के जिहड़े कितने ना कितने सपोर्ट में आ रहे हैं फार्मर्स के, लोगों में जोश जज्बा भर रहे हैं जी। मैं रात ही आया वापस, मैं प्रोटेस्ट के असी सदन के भी गए से उत्थे, और जिनी हो सकती है आपां अपने दिलों सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे जो तक ये बिल वापस नहीं होंगे। कल भी उत्थे काफ़ी मीडिया से उन्होंने भी यही गल की कि तुसी पहले दिन तो लगे हुए हो, मैं कहा सी पहले दिन तो सी अज भी हाँ, अगे भी लोड़ पेगी, आप हमेशा अपने बजुर्गों के नाल खड़े हैं। और किसानी प्रोटेस्ट देखो चढ़ती कला च ही है, पहले दिन भी चढ़ती कला से हूँ भी है अगे भी रहूगा, पर जल्दी जिनी जल्दी हो सके बिल वापस हो सारे अपने घरों करी जान। सिनेमा की गल करिए हूँ इस टाइम पर पंजाबी सिनेमा कितने क देख रहे हो बॉलीवुड के मुकाबले? पंजाबी सिनेमा बहुत बदल गया पिछले 4-5 सालों तो असी बहुत हाइप क्रिएट की है, और साडा कोई गाना बॉलीवुड ना पवे इदा की कोई फिल्म ही नहीं आती। सो हूँ तो यह है कि आ जी बीमारी है जल्दी ठीक हो, जिन्ना पंजाबी सिनेमा ग्रो किया उस तो ज़्यादा होर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम गल की जिस तरीके कि पंजाबी सोंग जो फिल्मों में बहुत देखने मिलते बॉलीवुड इंडस्ट्री के, पर कितने कितने एक चीज़ जी वो बड़ी शुरू तो आई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सपोर्ट नहीं दिखाई किसानों को, फार्मर्स की जो गल आई तो पंजाबी इंडस्ट्री उन्होंने वालों कोई सपोर्ट नहीं देखने मिली, हालांकि बहुत सारे इधर इधर पंजाब जाके शूट किया जाता से उन्होंने वालों पंजाबी सोंग्स रीक्रिएट करके अपनी फिल्मों के भी यूज़ किया जाता है। आ तुम देखिए ये सारे इतने आके शूट भी करते हैं पंजाब के, और इतों मैं कह लव लाहा कट के ले जाते हैं, क्योंकि इतों दियाँ ही ड्रैसिस पा के इतों दियाँ पग्गा बन के तुसी अपनी फिल्मों के पैसे कमाने करोड़ों, तो अज जो लोड़ से अच्छी तुसी बोले नहीं। सो बोलना चाहिए ही, बड़ी गलत गल आ, और चलो जिन्नी बना अटे हूँ कि अगे बना देनी किसी। सो की कहना चाहोगे तुसी ऑडियंस नूं, क्योंकि अज फिल्म रिलीज़ हुई है इहदे बारे कोई गल कोई मैसेज? फिल्म देखण आए हैं स्क्रीनिंग ते स्पैशल, और सारयां नूं मैं जिन्हें भी फैनस देख रहे हैं सारे जने जरूर विजिट करो सिनेमा ताकि माहौल खुल सके, और होर पंजाबी फिल्मां बड़ियां सोहणियां बणियां पईआं ने, और तुसी इस फिल्म नूं प्यार दोगे तां ही अगे राह खुलूगा। और सारे जने जरूर आयो यार, जरूर जिथे भी लैंटे नेड़े पैंदा या तुहानूं जिथे भी कोई पैंदा तुसी जरूर आके देखो। सो तुहाडी साइड तों की ऑडियंस नूं देखण नूं मिलेगा अपकमिंग टाइम दे विच? आह प्रोजेक्ट्स रेडी ने, गाने भी नवें असी हुण रिलीज़ करांगे, अगस्त दे विच मेरा गाणा आ रहा, और फिल्म भी दे रेडी है, बस थोड़ा जिहा माहौल ठीक होवे फिर तुहानूं अपडेट करदे आ। लॉकडाउन नाल किन्नी राहत मिल गई वैसे शूट वगैरह? हुण ठीक है, हुण थोड़ा खुल गया, हुण असी शूट कर सकते हैं, पहलां जिहड़े विच लॉकडाउन दे कीते उदों 10-15 बंदे हुंदे सी, हुण थोड़ा जिहा क्रू ज़्यादा हो जांदा सो कम वधिया हो जाता। थैंक यू सो मच। सो इस टाइम मेरे नाल ने समीप सिंह रनौत, जिन्होंने कि तुनका तुनका फिल्म दे विच हरदीप करेवाल दे बचपन दा रोल निभाया, गलबात कर लेने उन्होंने नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो आज फिल्म रिलीज़ हुई है तुनका तुनका किवें दा लग रहा है? जी बहुत वधिया लग रहा है, मतलब जो मेहनत आपां कीती सीगी कुछ साल पहले तो अज देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो असी फिल्म देख रहे थे, इंटरवल होया जे फिल्म का, तो तुहाडा जिहड़ा करैक्टर आ जिस तरीके बड़ा निखर के बाहर आ रहा, बड़ी मेहनत लग रही है वो, कि तुसी बहुत हार्डवर्क किया, एक चीज़ नज़र आ रही है, किन्ना हार्डवर्क करना पिया सी? जी हार्डवर्क इन्ना किया कि हरदीप भाजी के हार्डवर्क सामने कुछ नहीं है, बस साइकलिंग सीखनी पई सी, तो मतलब काम वाल फोकस करना पाया। कोई इदा का सीन जिन्हें अभी हूँ फिल्म देखी हूँ तक तो लगा कि हाँ इस मैं सीन पर बड़ी मेहनत करनी पई सी? उही ट्रेन वाला सीन जरा देखा सी आपा फिल्म च, कि जिवें ट्रेन चलानी होंदी साइकल दे नाल, मतलब उस च है कि मतलब स्पीड मैच करनी होंदी ट्रेन दे नाल, ते उही चीज़ करन लई मतलब थोड़ा करना पिया, मतलब सैक्रीफाइस मेहनत करनी पई उस ते। किन्नी कु फिल्म स्टार्ट होने तो पहला किन्ने मंथ तुसी पहला साइकलिंग की प्रैक्टिस की? मैं मतलब 1 मंथ की साइकलिंग की प्रैक्टिस, मतलब जब शूट नहीं स्टार्ट होना सीगा उस 1 मंथ पहले मतलब स्टार्ट की साइकलिंग की ट्रेनिंग, फिर उस दे दौरान किया। स्टार्टिंग डेज कीवें दे सी? स्टार्टिंग ते इन्नी ज़्यादा मेहनत करनी पै रही सी, इन्नी ज़्यादा साइकलिंग करनी पै रही सी, उस टाइम ते माइंड विच की आंदा सी?
उस टाइम यही कि मतलब एक्चुअली उस टाइम मेरी हाइट भी छोटी सी तो जब साइकिल चलाते सके तो फिर पैर नहीं लगने थोड़ा वह मतलब हों फील कि जिमें चलाना कभी नहीं चलनी एक दो बार डिग भी जाना चीज़ा हुई ट्रेन वाला जो सीन से बड़ा टाइम लगा काफ़ी है ना उन बार बार करना भी पिया उस सीन के कोई मैमरी जो तुम ऑडियंस में शेयर करना चाहो उस सीन लैके मैमरी से ही कि बस जिमें कि ट्रेन चल जाती सी तो फिर दो तीन घंटे नहीं आती सी फिर दोबारा वेट करना पैंता सी दोबारा नहीं आती सी मतलब ये थोड़ा किया मैनेज अज किवें फील हो रहा अज फिल्म देख रहे हो अपने खुद बैठे हो अज बहुत ज़्यादा मतलब माण महसूस हो रहा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं मतलब फिल्म जो है कि पूरी टीम की मेहनत है जी देखने अज मिल रही है तो बहुत ही बाकमाल फिल्म बनाई इस फिल्म को ऑलरेडी 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं तुम हरजीता फिल्म च काम किया तो उस फिल्म के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो कितनी उम्मीदें ने इस फिल्म को लैके जी इस फिल्म को लैके बहुत ज़्यादा उम्मीदा ने क्योंकि पहली 7 इंटरनेशनल अवार्ड लै चुकी है तो फिर आप चाहते हैं कि साडा नैशनल अवार्ड भी लैके जाए फिल्म तो बहुत ज़्यादा खुशी होएगी सब अज फ्रेंड्स के नाल आई फिल्म देख फ्रेंड्स के नाल तो नहीं फैमिली के नाल फ्रेंड्स नाल कल का प्लान है अच्छा अज फैमिली नाल है कल फ्रेंड्स के नाल आ गए अच्छा हुन फिल्म नु लेके कुछ ऑडियंस नु कहना चाहोगे मैसेज देना चाहोगे जी यही फिल्म है कि बहुत मेहनत लगी है इस फिल्म ते तो फिर मतलब काफ़ी इंस्पायर इंस्पीरेशन मिलेगी तुहानू इस फिल्म तो देखन जाओ सेफली देखन जाओ क्योंकि हुन थिएटर खुले ने जे आप नहीं पालन करेंगे सेफ का तो फिर हो सकते कि बंद हो जाए बट ये ना ही दिन देखना पवे सेफली जाओ फिल्म देखो तुनका तुनका टेंशन पै गई है कि तो लॉकडाउन दोबारा ना लगे तो दोबारा सिनेमा बंद ना हो जाए फिल्म रिलीज़ हुई है सो होर की किसमी पाएगा तुहाडे वल्लों जनता की कचहरी जी होर यही कि बस फिल्म नू इन्ना प्यार दो कि आप अपने वालों पूरी मेहनत की है बस हूँ ताडे सपोर्ट नाल ही अगे आप वध पावांगे थैंक यू जी सो फाइनली अज 5 अगस्त नो पंजाबी फीचर फिल्म जो कि लॉकडाउन तो पहला सब तो पहली फिल्म जी रिलीज़ हुई है तुनका तुनका अज रिलीज़ हो चुकी है तो मेरे नाल ने फिल्म के डायरैक्टर गैरी खटराओ जी तो मैम जिन्होंने लीड रोल पर काम किया है हशनीन मैम ने नाल हरदीप सर ने गलबात कर लेने इन्हों सो सर जो फिल्म की गल करिए फिल्म ने जोड़ा आ अज रिलीज़ हुई ये एक चीज़ बार बार आ रही थी कि मोटिवेट करेगी इंस्पायर करेगी बट नाल दाल जो देखिए इमोशनस बहुत भरे हुए हैं फिल्म के ईवन आई स्टार्टड क्राइंग वाइल वॉचिंग द फिल्म सो वो जी चीज़ बारे दसो किमें उन्होंने चीज़ों के उपर वर्क होया किमें चीज़ा से सारिया इमोशन जोड़े ने उन्होंने कितने कितने मैंने लगता कि इतने ना सिर्फ मेरे बल्कि बहुत सारे लोगों दखा जज नाम कीतिया देखो तुम हम जिदा कहा भी मूवी इमोशनस सारा कुछ है तो यही जो अभी बनाने वेले ने इन चीज़ों का ख्याल रख्या भी एक मोटिवेशन के नाल फैमिली जोड़े इमोशनस ने ना वो भी असी फट के रखीए तो मतलब मैनू भी काफ़ी दे मतलब पहला मैं देखी है बट मैं अज देख के दोबारा फिर वो चीज़ मैनू भी देख के लगी सो बहुत वाले चीज़ होंगी असं जिंदगी हार मान के बैठ जाने कुछ चीज़ों को लैके पर कि ना कि इस फिल्म को देखने तो बाद मैं लगता है कि हर एक चीज़ जरूर मिलेगी कि नहीं असी करना है असी कर सकते हैं हाँ जी यह जज्बे की गल है मतलब कोई भी किसी भी चीज़ तो मोटिवेशन ले सकता है हुण वो मोटिवेशन की हो सकती है वो फैमिली हो सकती है या कोई इदा का मतलब इंसीडेंट हो सकता या वो यार दोस्त हो सकते हैं कोई भी मोटिवेशन किसी भी तरीके की हो सकती है सो हशनीन मैम ने साडे नाल सो मैम सब तो पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन्स किवें दा लग रहा है अज फिल्म थैंक यू सो मच मैं बहुत ओवरवेल्म इस टाइम के उत्ते क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ सारी फिल्म तो लास्ट वाला सीन तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखा हले बाकी के सीन थोड़े थोड़े बच्चों देखे हुए थे तो खुद देख के मेरी अखा बाहर आई सी सारियाँ मैं भी वही चीज़ कह रही थी कि मैं खुद जोड़ा रोना स्टार्ट कर दिता बैठ के तो इतने बहुत सारे मैं लगता कि अखों में पानी जरूर आया होगा सो तुम कह रहे कि तुम फर्स्ट टाइम हूँ फिल्म देखी है पहला नहीं देखी सी सो किमें जिन्ना तुम सोचा से हर एक चीज़ उस तरीके आई बिल्कुल उस तो ज़्यादा सोहनी है उस तो ज़्यादा सोहनी बन के आई हुई है टोटली सर के एफर्ट्स ने टोटली टीम के एफर्ट्स ने एक छोटा जा पार्टी प्ले किया बट इट्स कमेंडेबल ऑन हिज पार्ट किमें रिव्यूज आ रहे हैं किमें जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं फिल्म रिलीज़ होने तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं बस यही है कि जे तुम जेन्युइनली फिल्म पसंद कर रहे हो और आपके अगे दोस्तों अपने परिवार को लेके जाओ तो वो जाने इकट्ठे होकर थिएटर पहुंचो सो हरदीप सर साढ़े नाल ने सो हरदीप सर सब तो सू बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फिल्म रिलीज़ हुई थैंक यू थैंक यू किमें लग रहा है अच्छ फाइनली फिल्म रिलीज़ होगी 3 साल का एक लंबा सफर से 3 साल की एक मेहनत से जी अज जनता की कचहरी में पेश की लंबा सफर से जी बहुत मैं देख रही हूँ तुम इमोशनल हो रहे हो इतने क्योंकि एक लंबा टाइम लगा सी एक लंबी जर्नी सी तो उस चीज़ को जनता दे तक लैके आना एक अपने आप में बड़ी वड्डी चीज़ सी बस अज सफर कंप्लीट हो गया सफर कंप्लीट हो गया बहुत लंबा सी सो
की कहना चाहोगे अज क्योंकि एक खुशी के अथरू ने क्योंकि बहुत बार ये चीज़ा आ जाएगा ने कि इन्ना टाइम लग रहा फिल्म बनता पता नहीं रिलीज़ होएगी नहीं होगी बट फाइनली तुसी वो चीज़ जी कर दिखाई है साढ़े लिए खुशी खुशी वाली गल यही है कि वे पर्दे तक पहुँच गए आने वाले टाइम कि मैं देख रही इंडस्ट्री को कि इदा का कंटेंट जो हो कि इंडस्ट्री आएगा कि मैं जो लोगों वालों सराया जाएगा मैं तो चाहना कि आए जी वधिया आए पंजाबी सिनेमा होर उपर जाए यही चाहना मैं तो बहुत उपर जाना चाहिए जिथे असी इंटरवल तो पहला देखिया फिल्म का एक जी ले चल रही थी बहुत अलग से इंटरवल तो बाद फिल्म बहुत चेंज हो गई बहुत ज़्यादा जिथे मैं उ चीज़ कह रही कि असं एक फिल्म इंस्पायर करेगी मोटिवेट करेगी उसके नाल दे नाल फिल्म दे उच्च बहुत सारे इमोशनस देखने मिले ने ते हर एक नूं किते ना किते फिल्म देखने तो बाद अपनी जिंदगी तो कोई ना कोई अजिही स्टोरी याद जरूर आई होगी जो शायद उन्हें हार मनी हो हार मन तो बाद उन्हें दोबारा ये डिसाइड किया हो नहीं करना या असं कर सकते हैं यही साडा मोटिव यही सीगा असल च कि हार कई बार ना साड़ी अपनी डिफाइन की हुई होंगी है साड़ी अपनी डिफाइन की हुई होंगी हार असल च असल हार नहीं होंगी जब तक थोड़ी जिंदगी खत्म नहीं होंगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो तुसी देख सकते हो कि आज जी फाइनली तुनका तुनका फिल्म जो कि 3 साल हो चुके से फिल्म नू बांधदिया रिलीज़ हो चुकी है तो रिलीजिंग तो बाद जी कि ना कि हरदीप सर अखों के भी हंझू आ गए ने कि खुशी के हंझू ने क्योंकि एक लंबा टाइम लगा से फिल्म नू बनने के फाइनली वो फिल्म अज रिलीज़ हो गई तो जनता के वालों फिल्म नू बड़ा प्यार मिल रहा है मैनू तो कोई भी कलाकार करना चाहूगा पर जी करना तो चाहूगा हरेक पर करता करता राह हट ना जाए गल यह है ना क्योंकि इन्हें नैक्सट लैवल की डेडीकेशन करनी बहुत औखी है ये परमात्मा वालों ही आ बंदा बहुत मेहनती है हरदीप तो इन्हें बहुत सोहनी करी है मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होंदा 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 देखा होया रियल च क्योंकि मैं जे इत्थे देख के तुहानू दसां तां दा रिएक्शन आऊगा मैं तो वैसे ही देखा होया ना भी वह किवें किवें की होंदा रहा उहदे नाल वो तो मेरा भरा उन्हें मैं थिएटर जो आप देखा है ना वो एक वो फील आ वो मतलब तुम ये देखो जो तुम अपने किसी भरा इन्नी मेहनत तो बाद इन्ने सालों तो बाद यार 3-4 साल बाद फाइनली वो थिएटर च आया है ना तो वो एक फील होंगे थोड़ा किमें देखते हो कि हरदीप सर के वो कोई पहल की गई है इदा के कंटेंट को इंडस्ट्री के लैके आने की किन्नी कु इस कंटेंट के उपर वर्क किया जाएगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किमें इदा की फिल्मा आएगी इंडस्ट्री आने वाले टाइम बिल्कुल आनी चाहिए तो आनगिया भी आदियां भी ने पहला भी वैसे चलो कॉन्टेंट तो बहुत सारे हरेक प्रोडक्शन हाउस अपने वालों थोड़ा बहुत जिन्ना भी है करता रहा तो साडा वेली जाता तो हमेशा ही ध्यान ही कॉन्टेंट पर होंगे बेसिकली तो नैक्सट भी आनगियाँ ओबियसली जो क्योंकि लोग पसंद करते किसी चीज़ को लोगों को वधिया लगती है तो देख के जे चंगा करोगे चंगे की रीत पैजूगी माड़ा करोगे माड़े की रीत पैजूगी तो यही चलता एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओपन हो गया लॉकडाउन तो बाद जी अब पहली फिल्म रिलीज़ हुई है सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी किमें महसूस हो रहा अच्छी महसूस किमें होना देखो 1.5 साल बाद सिनेमे आए हैं इतने मिलने का ही फील अड्डा है ना तुम इतने आए हो यह फील है अड्डा ये आप सारे जने ये जुड़े हुए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जिमें कहे सची एक इंडस्ट्री आ जिमें कहने ये भी एक प्रोडक्शन होंगी ये भी चीज़ा बन दियाँ मैनुफैक्चरर आप है ना तो ये किन्नी लोग जुड़े आ किन्ने लोगों का रुजगार जुड़े जुड़िया है ना किन्न की मेहनत आ हूँ किन्नी फिल्मा ऑलरेडी पंजाबी बनिया प्रोड्यूसरस का किन्ना पैसा ब्लॉक पिया मैनू याद आ कोविड के जेडे स्पॉट बॉय लाइटमैन सारे किन्ना उन्होंने बेचारे ने स्ट्रगल किया जो काम नहीं चल रहा चलो सारे ने रल मिल के जिनी हुई सारे ने हैल्प भी की पर हूँ मसा चलो खुशियां खेड़े आए हैं परमात्मा तंदुरुस्तियां बख्शे सेहत याब रखे सारियां नूं हूँ आप खुल के चंगी तरह खुल जाइए एक बार सारे के काम चलन मैं लगता बहुत वधिया गल आ पहले तो यह हूँ एक रीओपनिंग आप करती सिनेमा की यही बहुत वड्डी गल आ कोई फिल्म चाहिए सी तो इन्होंने वो फिल्म लाई इन्नी मेहनत वाली फिल्म लाई तो बहुत चंगी चीज़ आ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तुम ये देखो जो बंदा एक ए डेडिकेशन करता कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट हो मनिया भी यार फिल्म बनी जो कि आपां नूं सारे पता थानू भी पता क्योंकि तुम देखते हो फिल्मा किवें बनदियां जो कि एक फिल्म पिछे पहले तो कितनी मेहनत होंदी है कितना पैसा होंदा उस तो बाद जो इदां दी कोई फिल्म होवे तां उहदे विच तां सालां दे साल लग जांदे आ है ना तो उहनूं आपां जे देखांगे नहीं तां अगे नूं उहो जिहियां फिल्मां आपां एक्सपैक्ट ना करिए जे आपां मैं मतलब पाती स्टोरी तो मैं पहले जो जफी जी भाई फादर ने मैं वो पाती सी उदों ही तो क्योंकि गल ये राही आप हुण इत्थे भी आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को ऑडियंस नूं दस रहे हैं भी सिनेमे खुले आ जाके देख सकते हो है ना
नो डाउट आप हेल्थ सब तो पहला देखनी चाहिए है। हूँ भी मैं यही कहना हेल्थ का सब तो पहला ख्याल रखो, पर हूँ जिन्हें खुल गया तो प्लीज़ आप सारे सपोर्ट करो, सपोर्टिव बना एक दूजे लिता ही अगे चीज़ा चल दी। सो इस टाइम तेने मेरे नाल बलविंदर गुलर जी गलबात कर लेने उन्होंने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो मैं बहुत बहुत मुबारक कि आज तुहाडी फिल्म तुनका तुनका रिलीज हो गई जी। शुक्रिया। किवें दा लग रहा ऑडियंस दा रिस्पोंस? बहुत वधिया, बहुत ही अच्छा ऑडियंस दा। एक हुंदा रिस्पोंस, एक हुंदा कि वह भी दिल दे विच महसूस करके उत्थे खड़ी जाना। हुण भी जदों कंप्लीट होया आपां तां इहदे बावजूद भी जिहड़े हैगे दर्शक ने उवें दे उवें खड़े आ जी, मतलब जिवें कोई दिल उहनां दी गल दिल दे विच वस गई है फिल्म देख के। सो कितने ना कितने इस फिल्म ने जो देखा तो दोनों जो इंटरवल तो बाद चली आ फिल्म, तो फिल्म ने अलग जड़ा सी वो चीज़ एक इमोशन जोड़े से नज़र आने स्टार्ट हो गए, होर भी ज़्यादा वो चीज़ ने लोगों को बनना स्टार्ट करता। कितने ना कितने हर एक अपने लाइफ की कोई ना कोई स्टोरी जी जरूर याद आई जी। हर बंदे लाइफ के स्ट्रगल करना पैंदा, चाहे तुसी हो मैं हाँ कोई भी बंदा हैगा, उहदे विच हर बंदा सुबह तो लैके शाम तक कदे तो बहुत उम्मीद च हुंदा है, होप च हुंदा है, कदे उहनूं लगदा भी ओह नहीं ये नहीं होना हैगा भी दुनिया नहीं मैनूं करने दिंदी हैगी, जां कई वारी साडी जिंदगी च घटनावां ऐसियां वापर जांदियां ने, हालात सारे लोकां दे इक्को जिहे हुंदे है। असीं हमेशा किसी ना किसी उम्मीद की उड़ीक च रहिंदे आ भी कोई इंस्पीरेशन मिल जाए, कोई ऐसी गल सानूं सुणन नूं मिल जाए, कोई बंदा सानूं हल्लाशेरी दे दे, हौसला दे दे कि असीं उह जिहड़ी चीज़ करनी चाहुंदे आ, जिहड़ी एनर्जी साडी लो हो रही है तो साडे मोढे ते कोई बंदा थापी मारदा ते असीं कहिंदे वी हाँ हुण मैं कर दूंगा। तां इह फिल्म उस किस्म दी है वी किसी बंदे नूं हौसले नाल कहे वी उठ तुर परवाह ना कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ मैं देख सकता भी मैं इस वक्त अपने खेत दे विच पानी ला रहा हुंदा, जां मैं अपने कर्जे बारे सोच रहा हुंदा, जां मैं खेती तो तंग आया हुंदा, ते मतलब मैं उस किस्म दा होना सी। पर उहदे च की होया कि अज भी हुण भी लॉकडाउन दा समां तुहानूं पता ही है कि तुसीं भी असीं भी सारे लोकां ने हंडाया, सिनेमे बंद रहे है, पहली फिल्म है लॉकडाउन तों बाद। इस समें दे विच जदों तुसीं एक थां ते बंद बैठे हो, जिंदगी दी कोई मूवमेंट नहीं, हर पास्यों डर दियां खबरां आ रही ने, हर पास्यों थोड़े सज्जन वेली जिन्हां नूं तुसीं प्यार करदे हो उन्हां च कोई विछड़ जांदा है, तां बंदा सोचदा वी की बणूंगा वी यार, की असीं हुण सारे दे सारे डाउनफॉल वल जावांगे, असीं निराश होवांगे, दुनिया दी जिंदगी हुण जिहड़ी हैगी सी बिल्कुल उह उदास हो जाऊगी। पर नहीं, उहदे विच वी जदों तुसीं किसे उड़दे परिंदे नूं देखदे हो, किसे पंछी नूं बारिश दे विच नहाउंदा देखदे हो, सूरज चढ़दा देखदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟਰਗਲ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਗ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਡੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਬਣੂੰਗਾ ਕੀ,
फिर तुम अंदरों दुआ करते भी नहीं यार जो बंद मेहनत करते उन्होंने अगे आना चाहिए फिर थोड़ा दिल धड़कता भी यार कि उदास ना हो जाए बंदा भी उन्हें एड्डी जरूरत की हैगी है पर पता नहीं वो इन्ना किन्ना कॉन्फिडेंस से सानू सी फिल्म BGM जो नहीं होया देखते भी ठीक है सैकल ही चली जा रहे है सैकल भजाई जा रहा है सानू नहीं पता की है मैं तो अपना करैक्टर किया मैं तो अपने सीन करते मैं चल ठीक है भी आह कहानी होगी पर कहानी किस लैवल की होगी ये ऑडिटोरियम के आने तो पहला जो पहला वह गाना चलता उफसाना का तो वह चलता मैं आख्या मैं वाह ओके है मेरी वाइफ नाल सी तो मैं आख्या हूँ मैं ठीक हाँ ओके है मैं मतलब फिर शुक्र मनाया भी ठीक है मैं भी हूँ साडा काम हो गया दर्शकों के दिल तक गल जाऊगी कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहो कि फिल्म देखने जरूर आए क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है हाँ ऑडियंस बहुत सियानी है मैं तो उन्होंने की कह सकता पर मैं कहूँगा भी जोड़े लोग सिनेमे के शौकीन ने है ना जोड़े बंदे जोड़े आँदे फिल्म लगातार देखते दे रहेंगे एक आई दूजी आई नैटफ्लिक्स देखते दे, होर देखते दे हैं मैं उन्होंने कहूँगा भी एक बार ये भी देखो थोड़ा पता लग जूगा भी असं कह काम किया है लास्ट क्वेश्चन पूछा कि लगता है कि हम इस फिल्म तो बाद इंडस्ट्री किमें फिल्म आएंगे कि इंडस्ट्री चेंज हो देखो लाइफ के सारा कुछ चलता रहता हूँ हादसा भी चलता रहा है दुख भी चलता रहा है सीरी सियानी गल भी होंगी रही है तो वह सारे रंग ही आते रहेंगे पर जिमें मैं याद करता हूँ अंग्रेज़ फिल्म आई थी तो उन्हें किनिया फिल्मों राह खोलता मैं लगता 100 फिल्म आ गई होनी है साढ़े कल्चर से फिर जी गैंगवार वाली फिल्म आई एक हीरो के आने नाल एक जॉनर खुल गया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक नव जॉनर एंटर हो गया जो मैं लगता है भी मोटिवेशनल वो साढ़े को चेहरा हैगा उन्हें कम अपनी बलबूते अपने पैसे दे करके दिखाया है तो हूँ साड़ी फिल्मों के जड़िया कह लो भी पहला कॉमेडी सी लव सी रोमांस सी गैंगवार वाली फिल्म से हूँ साढ़े को इंस्पीरेशनल गेम की प्लेयर की लाइफ के उपर भी फिल्म हो थैंक यू सो मच थैंक यू सो इस टाइम पर मेरे नाल ने प्रभगिल जी गल बात कर लेने उन्होंने सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी सर सब तो पहले दसो फिल्म किमें लगी बहुत वधिया जी इंस्पीरेशनल फिल्म है तुणका तुणका गाने तो ही पता लगता सी कि जे उस टाइटल की फिल्म बन रही है तो उस गाने वर्गा ही कुछ होगा सो मोटिवेशनल फिल्म एंड मैसेज वाली फिल्म है तो सारे जरूर देखियो देख फिल्म देखते देखते कोई अपनी लाइफ की कोई जर्नी की कोई याद आई कि चीज़ की हाँ कभी जिंदगी कुछ कित हार मनी से बाद खुद को मोटीवेट किया दोबारा मेरे डैड ने मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट की मैं जे मैं गाना चाहिया तो उन्होंने मेरा 100% साथ दिता बस यही जिमें हरदीप फिल्म च उस करैक्टर दे डैड उदी नहीं सपोर्ट करते पर हाँ मेहनत जे आप देखते हैं मैं नहीं कहता कि मैं कल्ले ने मेहनत की हर एक बंदा मेहनत कर रहा अपने अपने लिए ते उदा हर एक पल जिच भी उदी मेहनत अगे कई बार डाउन हुंदा डाउनफॉल आउंदा मतलब उत्ते जांदा तरक्की करदा सो बहुत सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां तुसी ऑलवेज ही रिलेट करदे हो स्पैशली इहो जी फिल्म दे विच सो बहुत सारिया चीज़ा ने सारी फिल्म ही मैं कह सकदा सो की मैसेज देना चाहोगे उन्हां खासकर पेरेंट्स नूं जिहड़े बच्चे कुछ ना कुछ जिंदगी च करना चाहते पर किते ना किते इक वारी पेरेंट सपोर्ट नहीं कर पाते देखो इदां दी बहुत सारिया मैसेज वाली फिल्म ऑलरेडी भी आ चुकिया ने एंड पंजाबी दे विच मेरे ख्याल पहली है पर हुण देख के उहदा मैसेज नूं लिया जांदा या नहीं लिया जांदा ये बहुत मेरे ख्याल है कि वड्डा मुद्दा होगा पर मैं सारे पेरेंट्स नूं खास करके मेहनत करूँ मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चियां दा फ्यूचर थोड़े हाथ च ही है एंड बच्चियां दा कुछ भी बनना जिहड़ा वह भी थोड़े हाथ च ही हुंदा क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट तो बिना कुछ किया नहीं जा सकता सो बच्चियां नूं बहुत जरूरत है 100% उहनां दी सपोर्ट की इस फिल्म तो बाद की में देख दो एंटरटेनमेंट की दुनिया में कितना चेंज आएगा फिल्मों को लेकर देखो साड़ी फिल्म सब तो पहले तो 2 साल बाद 1.5-2 साल बाद फिल्म रिलीज़ हुई है पंजाब दे विच ये बहुत वड्डी गल है एंड मैनू लगता कि जिन्हें भी थिएटर सिनेमा लवर्स ने वो सारे जानगे फिल्म नू देखण उपरों हरदीप की शाबाश है कि मोटिवेशनल फिल्म इदा दी क्योंकि अजकल थोनू पता कॉमेडी एंड सारा कुछ एक आउट ऑफ बॉक्स सिनेमा करना वो भी वड्डी गल है सो सारे जाने प्यार देंगे इस फिल्म नू एंड जरूर देखने जायो जी मेरी रिक्वेस्ट है थोनू सारे नू हरदीप सर नू की कहना चाहोगे क्योंकि आज जो भी अवेलेबल ने थे तुसी भी प्रेजेंट हो फिल्म देखना जो स्पेशल होंगे हरदीप नू गुड लक मेरे वालों एंड हल्ला शेरी एंड दुआवां बहुत सारियां बिकॉज ये हिम्मत एड्डी वड्डी करना ये हरेक का कम नहीं है थैंक यू
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सो अज फाइनली प्रीमियमसी फिल्म तुनका तुनका दा जिथे कि बहुत सारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दी स्टार कास्ट पहुंची हुई सी, तो उन्होंने गल बात करके जाना कि उन्होंने फिल्म कीवें दी लगी, क्योंकि लॉकडाउन तो बाद इस सब तो पहली फिल्म आ जिहड़ी कि सिनेमा घरां दे विच रिलीज़ हुई है। 5th August नूं अज फिल्म रिलीज़ हो गई है, तो जनता दे वल्लों फिल्म नूं बहुत प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि कितने ना कितने इस फिल्म दे विच जिहड़ा आ हरदीप गरेवाल दे वल्लों बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। 3 साल लगे इस फिल्म नूं बनाउण दे विच, एक लंबी जर्नी तो बाद फिल्म जिहड़ी आ अज जनता दी कचहरी दे विच पेश की गई है, तो जनता दे वल्लों इस फिल्म नूं बड़ा पसंद किया जा रहा। सो अज असीं तुहाडे रूबरू करवाया पंजाबी इंडस्ट्री दे बहुत सारे सितारियां नूं जो कि जिथे पहुंचे हुए सी, तो उन्होंने की कुछ कहा, उन्होंने नाल गलबात करके उन्होंने व्यू पॉइंट भी तुहाडे तक रखिया कि उन्होंने फिल्म किवें दी लगी। सो उम्मीद करते हैं तुहानूं भी यह फिल्म बहुत पसंद आई होगी। सो जिन्होंने फिल्म नूं देख लिया वधिया गल है, सो जिन्होंने इस तक इस फिल्म नूं नहीं देखिया इस फिल्म नूं जरूर देखो, क्योंकि इस फिल्म दे करके तुहानूं अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारी जिहड़ी मोटीवेशन आ, तुसीं अपनी जिंदगी दे विच बहुत इंस्पायर हो गए, तो जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ जिहड़ा करना आ ओह जरूर चाहोगे। कैमरामैन गोल्डी दे नाल खुशी सरां, चंडीगढ़।